मैं सोच रही थी कि मैं चुपके से इसकी वीडियो ले लूं, बट इसने देख लिया. कोई नहीं, आप बनाओ, कैरी ऑन. ओके. मेरी फैन देखो कितनी गंदी हो रखी है. मैं दो तीन दिन से सोच रही थी मैं क्लीन करने को, बट मौका ही नहीं मिल पा रहा था. मॉर्निंग का टाइम में थोड़ा हेक्टिक हो जाता है, तो मैं इस पिल्लो कवर से मैं अपनी फैन को क्लीन करूंगी. तो जिस दिन मैं बेडशीट चेंज करती हूँ तो एक बार मैं क्लीन कर लेती हूँ. तो मैं इस तरह पिल्लो कवर में इसकी फैन की पत्ती को डाल दूंगी और पूरी कवर कर लूंगी, ताकि इसके जो सारे गंदे हैं इस तरह से इसके अंदर ही रह जाएंगे. ये देखो, मैं थोड़ी सी अभी हाइट में कम हूँ तो मैं पहुंच नहीं पा रही हूँ. मेरे पति देव भी करेंगे इस फैन को क्लीन. फैन कितनी क्लीन हो गई, देखो देखो. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे. तो आज है संडे का दिन, तो ये है संडे का ब्लॉग जो आप लोग अभी देख रहे हो. मैंने एलोवेरा जेल अपने प्लांट से मैंने कट कर लिए हैं, क्योंकि मैं मेरे को हेयर ऑयल बनानी है. मैं कैसे हेयर ऑयल बनाती हूँ जो आप लोग को मैं दिखाऊंगी मेरे, क्योंकि मैं हेयर ऑयल घर में ही बनाती हूँ जो मैं लगाती हूँ. तो उससे क्या होते हैं, मेरे बाल भी थोड़े हेयर फॉल कम होते हैं और उसकी हेयर की काफी लंबाई भी काफी जल्दी जल्दी बढ़ जाती है. तो मैं कैसे बनाती हूँ और आप लोग को दिखाती हूँ. चलो, जो हेयर ऑयल बनाती हूँ घर में, तो उसके लिए मुझे चाहिए एक छोटी सी अनियन. मैंने मीडियम साइज की अनियन चॉप कर ली है, एक चम्मच मेथी, एक चम्मच छोटे चम्मच से कलौंजी, और ये मैं एलोवेरा जेल मैंने उसको कट करके इस तरह से निकाल लिए हैं. अगर आप नहीं भी कट कर लो तो आप उसके साइड से जो कांटे होते हैं वो निकाल के और छोटे छोटे पीस कट करके भी तेल में डाल सकते हो. तो आप जो भी ऑयल लगाते हो, कोकोनट ऑयल चाहे जो भी ऑयल लगाते हो, आप उस ऑयल के साथ ये बना सकते हो. मैं यहाँ कच्ची घानी सरसों तेल ही इसे बना के स्टोर करती हूँ. तो मैं इतने ऑयल में बना के स्टोर कर लेती हूँ. तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई मैंने ले ली है, मैक्सिमम मतलब मैं ना आयरन वाली कढ़ाई में ही बनाती हूँ, क्योंकि ये लोहे की है तो थोड़े से वो फायदा भी होता है. तो इस ऑयल को मैं गरम कर लूंगी और ये जितने सारे हैं उसमें डाल के उसे अच्छे से 2 से 4 मिनट तक इसे मीडियम फ्लेम पे इसे पकने देंगे. और जब ये अच्छे से ये सारे पक जाएंगे तब इसको मैं छान के एक डब्बे में रख लूंगी और जब मुझे मतलब हेयर वॉश करने से पहले मैं लगा लेती हूँ. यहाँ पे मैं सारे चीज मतलब डाल के फ्राई कर लूंगी. सबसे पहले मैंने यहाँ पे अनियन डाल दिए 2 सेकंड के लिए उसको चला के, और जितने भी मतलब मेथी, कलौंजी, एलोवेरा जेल जो भी है, सो मैंने एलोवेरा मतलब जो कट करके रखे थे सब डाल के, और इसे 3 से 4 मतलब मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करूंगी, ताकि इसके जितने भी अंश है वो अच्छे से पक जाए. बिलीव मी, ये हेयर ऑयल मतलब जो आप लगाओगे कोई भी ऑयल में इस तरह से आप बना सकते हो, जैसे मैंने अभी आप लोग को मैंने दिखाए हैं, तो आप कोई भी ऑयल के साथ बना सकते हो. मैं ये गारंटी के साथ नहीं कह सकती कि हेयर फॉल एकदम कम हो जाते हैं, क्योंकि मेरे भी यहाँ पे मतलब मैं दूसरे जगह आई हूँ तो मतलब पानी भी चेंज होती है, तो उसके कारण भी मेरे भी हेयर फॉल हो रहे हैं. बट जब मैं आई थी तो उस समय ज्यादा हो रहे थे, बट मैंने फिर ये हेयर ऑयल मैं काफी टाइम से लगा रही हूँ तो हेयर फॉल तो कम है, ऐसा नहीं है कि एकदम बंद हो गए हैं. बट हाँ, हेयर मतलब जो काफी मतलब ग्रोथ होती है, मतलब हेयर काफी ज्यादा जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तो इस ऑयल के कारण ही बढ़ते हैं. जो इस चीज में मतलब कितने सारे चीजें मैंने मिक्स करके बनाए हैं, तो ये मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि इस ऑयल को लगाने से हेयर बहुत जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, तभी मेरे भी इतने जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं. तो मैं इस तरह से करती हूँ. और जैसे कि दो मुहे बाल, क्या बोलते हो आप, दो मुहे बाल, जो एक बाल में 2-3 बाल निकल जाते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि मतलब ऑयल से या कुछ शैम्पू चेंज करने से मतलब आपके ठीक हो जाएंगे. वो अगर आप ट्रिमिंग करोगे मतलब मंथ या 2 मंथ में, तभी वो ठीक हो पाते. जैसे बहुत लोग कटिंग मतलब ट्रिमिंग नहीं कराते हैं, तो उस चीज में उसके मतलब बाल में चांसेस ज्यादा होते हैं हेयर फॉल होने के, मतलब दो मुहे बाल के, और काफी मतलब ड्राई हो जाते हैं, ऑयल नहीं लगाने से भी होते हैं. तो मैं ना मंथ या 2 मंथ में ट्रिमिंग थोड़ी थोड़ी भी करती रहती हूँ. मुझे भी कट करनी है, मैं किसी दिन और वीडियो में दिखाऊंगी कि मैं खुद से कैसे हेयर कट कर लेती हूँ. तो ऐसा नहीं है कि आपको इतनी इतनी लेंथ में मतलब हेयर कट करनी है,
एकदम थोड़ी थोड़ी सी, मतलब एक तरह से कह दो कि सिर्फ सीजर टच कर लेनी है, थोड़ी थोड़ी जैसे आप नेल कट करते हो उस तरह से ही यहाँ पे हेयर कट करते रहने चाहिए 2 से 3 मंथ में, तभी आपके बाल में दो मुहे बाल नहीं होंगे और बाल भी अच्छे से ग्रोथ होंगे, लंबाई भी अच्छी सी होगी, क्योंकि बाल की भी मतलब ट्रिमिंग हर मंथ या 2 मंथ में चाहिए होती है। तो मैं किसी और वीडियो में दिखाऊंगी मैं हेयर कट कैसे करती हूँ। तो चलो इस चीज को मैं अभी ऑयल को छान लेती हूँ पहले। मतलब ये कॉफी की बोतल है, मैं इसमें बना के रखती हूँ और जिस दिन मुझे हेयर वॉश करनी होती है उसके एक नाइट पहले मतलब मैं लगा लेती हूँ नाइट में और मॉर्निंग में हेयर वॉश कर लेती हूँ तो काफी अच्छा रहता है। हाँ ये थोड़ी सी स्मेल होती है क्योंकि प्याज डले हुए हैं होते हैं, इसलिए मैं नाइट में लगा लेती हूँ और मॉर्निंग में वॉश कर लेती हूँ। तब तक मैं यहाँ पे अपने बेटे को लड्डू एंड ढोडा लेके जा रही हूँ, दोनों में से जो उसे पसंद आएगी, क्योंकि हमें मतलब आए हुए कर्नाटका मतलब 9th मंथ हो गए बट ऐसी मिठाई हमें अभी तक नहीं मिले थे, क्योंकि हम लोग दिल्ली में ये सब मिठाई खाते थे, बहुत ही मतलब वहाँ के शॉप का एक नाम ही था, यहाँ आने से हमें ये सब मिठाई नहीं मिलती थी, बट आज फाइनली हमें दिल्ली जैसी चीज़ यहाँ पर भी मिल गई, खाने को बहुत अच्छा लगा। मैं आज लंच में सत्तू के पराठे, बैगन के भरते एंड सेवई बनाने के लिए जा रही हूँ, तो मैंने कुछ प्रिपेयर किए हैं। ये सत्तू है, उसमें मैंने बारीक चॉप अनियन डाले हैं, बारीक चॉप ग्रीन चिली, बारीक चॉप गार्लिक, बारीक चॉप धनिया पत्ते एंड ये है कलौंजी, ये है अचार के मसाले, आम के अचार के मसाले एंड नींबू के रस डालूंगी, स्वाद अनुसार नमक एंड अजवाइन, इसको मैं मिक्स कर लूंगी और मैंने सरसों तेल भी थोड़े से डाले हैं, थोड़े से पानी के मतलब छींटे डाल डाल के इसे अच्छे से मतलब मैं इसे मैश करके मतलब अच्छे से बना लूंगी इसे मतलब स्टफ। और बैगन के भरते के लिए मैंने बैगन पका लिए हैं, उसी के अंदर मैंने गार्लिक उसे पील करके उसके अंदर ही डाल दिए थे, तो ये दोनों पक गए हैं। टमाटर को भी मैंने पका लिए हैं और एक ग्रीन चिली को मैंने गैस पे ही पका लिए हैं और धनिया पत्ते के बारीक चॉप है, नमक है स्वाद अनुसार और तेल है, इसको भी अच्छे से इसे मैश करके रख लेंगे, तो ये मेरे भरते रेडी हो जाएंगे और ये स्टम के लिए सत्तू रेडी हो जाएंगे। अब मैं आटे गूंद लेती हूँ और सेवई बनाती हूँ। मेरी लंच बन गई, आप लोग भी खा लो। ये देखो सत्तू के पराठे, बैंगन के भरते एंड सेवई दिख रहे हैं ये देखो, और ये देखो सत्तू के पराठे मैंने दिखाए नहीं मैंने कैसे बनाए, जस्ट लाइक आलू के पराठे जैसे बनाते हो वैसे ही बनते हैं, ये देखो उसके अंदर इस तरह से ये देखो सत्तू भरे हुए रहते हैं, वैसे ही सेम तरीके से बनते हैं। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए लंच लेके आई हूँ, तो वो लंच कर लेंगे, फिर मैं भी कर लूंगी और फिर मैं थोड़ी सी रेस्ट ले लूंगी, क्योंकि सुबह से मतलब थोड़े थोड़े काम में लगी हुई हूँ तो मैं रेस्ट ले लूंगी। तो आप लोग को मेरी ये वीडियो कैसी लगेगी जरूर कमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो आप लोग को मैं एक न्यू वीडियो के में मिलूंगी न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।